रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रताप। आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों का सम्मेलन आज बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया। आदर्श विद्या मंदिर समिति के सचिव संजीव भार्गव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा और योग शिक्षा का ज्ञान सभी विद्यार्थियों को करवाया जाता है। वर्तमान में उच्च विद्यालय में 750 बालक बालिकाएं, सेवाधाम परिसर में 225 और उच्च माध्यमिक विभाग में 480 विद्यार्थी अध्ययनरत है। समिति के अध्यक्ष वेद केदारनाथ जी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री व राजस्थान सरकार थी। मुख्य वक्ता निम्बाराम क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एमएल सोनकार ने की। स्वागत अध्यक्ष दिलीप बेट थे। विशिष्ट अतिथि गोपाल आर्य, भरत राम कुमार, मनोज जोशी और डॉक्टर देवेंद्र जोशी और डॉक्टर आशुतोष पंत रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर सुधीर सचदेव के संयोजन में पधारे मारो देश एक कार्यक्रम भी रखा था, जिसमें राजस्थान की संस्कृति को दिखाया गया था। खबर किशनगढ़ से, जहां आज फिनो